सिक्किम में आई आपदा से लापता मंगलौर के सैनिक का शव 43 दिन बाद मिला। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पृथक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ मौके पर जमा रही। जानकारी के अनुसार मंगलौर क्षेत्र के गदर गुड्डा के रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता के यूनिट 16 में तैनात थे। सिक्किम में आई आपदा के दौरान वह अपनी यूनिट के साथ बचाव कार्य में गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से सिक्किम आपदा में लापता हो गए। उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। लापता होने के 43 दिन बाद अब रेस्क्यू के दौरान प्रदीप का शव बरामद हुआ। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। कनेडियर से बिलोंग करता हूं और अभी एक्सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट बागपत का हूं मैं। ये कहूंगा कि ये लड़का मेरा ही ट्रेंड किया हुआ एक सैनिक था और मेरी पलटन में मेरी कंपनी के अंदर मेरी कमांड में रहा है। ये लड़का एक बहुत ही करैक्टरी, बहुत ही सज्जन और सेना के प्रति बहुत वफादार था। मैंने ट्रेनिंग से लेकर के और करीब 10 साल तक इसकी सर्विस के अंदर जो मेरी यूनिट में ये रहा है, तो मैं उस टाइम पे पटियाला में अपनी यूनिट में पोस्टिंग था, तो तभी मैं तुरंत उसी दिन 4 तारीख में उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर यूनिट में अटैच हुआ और ये खोजबीन की कार्रवाई शुरू हुई थी। ये परसों मिल गए थे। मैं जा रहा था अपना देखने के लिए, नहीं जाता था डेड बॉडी, उस दिन से ही जा रहा था, जिस दिन से मिलती थी। तो यूनिट के द्वारा भी बहुत सपोर्ट मिला, व्हीकल वगैरह और आदमी साथ में जा रहे थे दिखाने के लिए। तो परसों इनके पैर से पहचान हुई, इनके पैरों की, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से ख़राब हो रखी थी, पैरों से पहचान हुई। और फिर जी बहुत बड़ा काम बेटा था साहब, बहुत हिम्मत का काम करा इस लड़के ने, बहुत जिद्दा लड़का था साहब। यहाँ भी आता था, बहुत शेर रहता था यहाँ भी, बहुत अपने काम धंधे में बहुत चौका था लड़का मेरा जो, और बहुत शरीफ लड़का था साहब। ऐसा लड़का वाकई में नहीं मिलता ढूंढे से भी, बहुत अच्छा बच्चा था, सबके काम आता था साहब। गाँव में जाता था बेचारा, इसी से वो नहीं कर रहा।